और अब हेलमेट के बाद बैक व्यू मिरर लाजिम करार। मॉल रोड पर बैक व्यू मिरर के बगैर दाखिला बंद है। मॉल रोड पर सिटी ट्रैफिक पुलिस का बैक व्यू मिरर की अफादियत बारे आगाही कैंप। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अरसलान हैदर से, जो कि सिटी ऑफ लाहौर के साथ मौजूद है। जी अरसलान, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर। हेलमेट पाबंदी के बाद अब जो है वो बैक व्यू मिरर्स के खिलाफ भी एक आगाही जो मुहिम थी वो उसका जो सिलसिला से शुरू कर दिया गया है। 1 नवंबर से माल रोड पर बैक व्यू मिरर्स के बिना कोई भी शहरी जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सिटी ट्रैफिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है कि शहरियों की हिफाजत के हवाले से, इस बारे में गा करें। इंशाल्लाह अभी हम दो चीज़ें आगे करने जा रहे हैं। नंबर एक, जो सेकंड सीटर मोटरसाइकिल पे बैठेगा उसके लिए हेलमेट ज़रूरी है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि क्या ख़वातीन भी हेलमेट पहनेंगी? तो भाई, अगर ख़वातीन को गिरने के बाद सर पे चोट नहीं लगती, अल्लाह ताला ने इम्यूनिटी दी हुई है, तो वो ना पहने। तो अगर उनका भी सर फट सकता है, वो भी मर सकती हैं, तो उनको पहनना चाहिए। कानून में है कि उसने पहनना है। दूसरी बात यह है बैक व्यू मिरर का, इंशाल्लाह हम 1 नवंबर से इंशाल्लाह करेंगे। और बल्कि तीसरा भी मैं अभी अनाउंस करता जाऊँ कि तीसरा हम ये करना जा रहे हैं, 1 जनवरी ऑनवर्ड बगैर लाइसेंस के कोई गाड़ी हम रोड के ऊपर नहीं आने देंगे। वो ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस वैलिड नहीं होगा वो रोड के ऊपर नहीं आएगा। और उसको हमने तकरीबन को 3 महीने का टाइम इसलिए दिया है ताकि वो आज भी अगर लर्नर बनवाए तो 42 डेज़ के बाद उसका टेस्ट हो जाए और उसका लाइसेंस इशू हो सके। तो वी वॉन्ट टू गिव दैम अ रीजनेबल टाइम ताकि रोड के ऊपर देखें, हेलमेट पहनने से भी आपकी हफाजत है। इसमें ना मीडिया वाले का फायदा, ना पुलिस वाले का फायदा, ना वार्डन का फायदा, उस बंदे का फायदा जिसने हेलमेट सर पे पहनना है। डबल सवारी पर जो हेलमेट लाजिम करा दिया गया उस पर कितना चलान होगा और बैक व्यू मिरर्स पे कितना चलान होगा शहरियों की आगाही के लिए? देखिए जी, चलान की शरह अभी तक वो पुरानी है, 200 है, वही है। उसमें कोई अभी ज्यादती नहीं, यानी इजाफा नहीं किया गया, लेकिन ग्रेजुअली इसमें आगे जाहिर है हम रिकमेंडेशन भेजेंगे एंड वी वॉन्ट कि इसको इंक्रीज किया जाए ताकि लोगों के अंदर एक डेटरेंस हो कि हमने कानून तोड़ना नहीं है। आज जो है सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से ऐलान किया गया है कि 1 जनवरी तक कोई भी शहरी जो है वो लाइसेंस के बिना अगर सड़कों पर नजर आएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई।